खिलाड़ियों को मेडल पहनाकर नवाजा जाएगा मैन ऑफ द मैच के लिए। एनबीएमके हॉस्पिटल की तरफ से वो जिस तरीके से मेडल होगा, बेस्ट बैट्समैन के लिए ट्रॉफी, हेलो बेस्ट बॉलर के लिए ट्रॉफी, यानी इनामत की राशि जरूर है। जिस तरीके से कहते चलूं, हरीश सर के सामने मैंने कल भी कहा था, यह आयोजकों की मेहनत है। हर बच्चे ने पर्दे के पीछे काम तो किया है, दिखने में ज्यादा नहीं आया है, लेकिन जितनी आयोजक कमेटी है, जितने बच्चे हैं, सबने अपना 100% दिया हरीश सर इस टूर्नामेंट के अंदर, 100% अपना काम दिखाया है, तब जाकर ये मेहनत रंग लाई है। आज का आखिरी दिन हो, आप मेरे साथ जुड़े होंगे। मैं कल चर्चा करने वाला था हरीश सर की, जो एक अच्छे कमेंटेटर के रूप में एक कीर्तन भी करते हैं, एक अच्छे दानशूर व्यक्ति है, हसमुख इंसान, लोगों के साथ एक अच्छा रिलेशनशिप रखना, म्हणजे हरीश सरच्या बद्दल सांगायला गेलं तर माणूस की यांचा हा पहिला स्टेप आहे, म्हणजे यांच्या मनात असं आहे की माणूस की हा माझ्यासाठी खूप महत्त्वाचा आहे, की माणूस किंवा माणूस की कशी जपायची आणि माणसाने कसं जिंकायचं हे मात्र हरीश डिगीकर सरांकडे नक्कीच शिकवा असं वाटतो। आणि आज मात्र तेच माझ्या बरोबर जुळलेले आहेत, मी त्यांना लाख लाख शुभेच्छा देतो की तुम्ही असेच चांगले पुढे उन्नती करत राहा, तुम्ही प्रोग्रेस करत राहा, कीप इट अप हरीश सर। मेरी दुआ है, मेरी ब्लेसिंग है आपके लिए कि आप मेरे साथ जुड़े हो। हिंदी मराठी को जुगलबंदी तो हम इस मंच पर जुड़ चुके हैं क्रिकेट के माध्यमों से, आज भी सभी खिलाड़ी एक ही मंच पर जुड़े रहेंगे, लेकिन आप जो मेरे साथ जुड़े हो, मैं ऊपर वाले से दुआ करता हूं कि आप बड़ी बड़ी प्रतियोगिता में जाए। उम्मीद ये भी करता हूं ऊपर वाले से कि आप आईपीएल जैसे बड़ी प्रतियोगिता में भी कमेंट्री करें और अपना नाम, अपने माँ बाप का नाम ऊंचा करें, अपने गांव का नाम ऊंचा करें, क्योंकि क्रिकेट जब खेला जाता है ना, गांव गांव से खिलाड़ी आते हैं। एक खिलाड़ी का क्रिकेट नहीं होता हरीश सर, 11 खिलाड़ी उसमें एफर्ट लगाते हैं, उसी तरीके से आयोजक मेंबरों ने एफर्ट लगाया है। ये एफर्ट अगर बन मुट्टी की तरह हरीश सर होगा ना, तो बन मुट्टी को कोई नहीं तोड़ सकता, लेकिन अगर वो मुट्टी खोल जाए तो वन बाय वन हाथों की उंगलियां टूट सकती है। इसलिए यूनिटी होनी चाहिए और एकजुट होना चाहिए, तब जाकर कुछ होता है और तब जाकर बहुत ही कुछ अच्छा ही होता है, बेहतरीन होता है। और जिस तरीके से हम जो क्रिकेट के माध्यमों से कह रहे थे कि क्रिकेट हा सांगिक एक खिलाड़ी नहीं है, त्याच्यामध्ये सर्व खिलाड़ी एफर्ट लगतो, तेव्हा तो क्रिकेट का महासोहळा प्रत्येकांच्या समोर दिसून येतो। आणि ज्या पद्धतीने हरीश सर माझ्या बरोबर जुड़े हैं, मी सुद्धा त्यांचा आभार व्यक्त करतोय, त्याचबरोबर या उपस्थित सर्व आयोजकांचा मी आभार व्यक्त करतोय। आणि आजच्या दिवसातलं पहिला सामना होणार आहे, जी हरीश सर, जिस तरीके से चर्चा होगी, टॉस होगा, थोड़ा सा आयोजकों से डिस्कशन होगा और फिर टॉस किया जाएगा, क्योंकि जिस तरीके से इस गांव में, आरआरटी के गांव में मैयत भी हो चुकी है, तीन तीन ओवरों का शुरुआती ओवर की अगर बात की जाए तो